जो एसएससी सीएचएसएल 2020 के टैबिंग के फाइनल पोजीशन पर आकर आज बैठे हुए हैं, और आपका जो परफॉर्मेंस है आज के आरकेसी के साइड पर, उस परफॉर्मेंस के आधार पे मैं आपका एक एनालिसिस करने जा रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम कैसा होगा। क्योंकि मैंने जो इतना दिन का आपके साथ तैयारी किया, मैंने भी किया और आपने भी किया, और इसका ये फलाफल है कि अगर आज के टेस्ट में हम लोग का अगर अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, जो मैंने बोला था फर्स्ट टाइम का 4241 से 4244, तो जिन्होंने भी वो टेस्ट को दिया है, मैं वो सारे टेस्ट को एक जगह करके लाया हूँ और उनके इंडेक्सिंग पे लाया हूँ कि ताकि मैं उनके वो चारों टेस्ट का परफॉर्म कर सकूँ। पहला बात तो है कि जो हम लोग को वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में टाइपिंग के लिए समय मिलेगा, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे 10 मिनट का डेमो मिलेगा, 3 मिनट का ब्रेक मिलेगा, फिर 10 मिनट का टाइपिंग मिलेगा, फिर 3 मिनट का वेरिफिकेशन होगा, यानी कि 26 मिनट में दो टेस्ट। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आज मैंने 60 मिनट में आपका चार टेस्ट लिया है, कि आपको मैं वहाँ के एसएससी के एग्ज़ाम से डबल प्रेशर में लेके आया हूँ, और इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम हॉल में पक्का मिलेगा। आप ये सोच सकते हैं कि ये आपने नहीं सोचा होगा कि यहाँ 26 मिनट में वहाँ दो टेस्ट है, तो सर ने आज 1 घंटा में चार टेस्ट क्यों करवाया। हमारा सोच यही था कि हम कितना प्रेशर झेल सकते हैं, ठीक है। उस टेस्ट के आधार पे आज ये वीडियो है, और इस पे मैं हर स्टूडेंट के बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल 152 पेज है, और मैं सभी स्टूडेंट पे स्टार्ट करूँगा, और ये इंडेक्सिंग पे है A to Z में। तो सबसे पहले आते हैं, एक अभय नाम के हैं, ये सीतापुर के, इन्होंने 3 टेस्ट दिया है। इनका जो टाइमिंग है आप देख सकते हैं कि 9 मिनट एक 8.51। तो ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस है, देखिए कि इन्होंने 3 ईयर किया है, 2 ईयर किया है और 3 ईयर किया। इन्होंने एक टेस्ट में एक एक्स्ट्रा वर्ड मारा, ठीक है। एक एक्स्ट्रा वर्ड जो इन्होंने यहाँ पर मारा है, जो यहाँ पे मैंने इसे काउंट किया, और 2 ईयर है। तो ओवरऑल जो इनका परफॉर्मेंस है, अब है आपका जो परफॉर्मेंस है बहुत बढ़िया है, और आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और आप जो है हमारे लेटेस्ट पैटर्न पे टेस्ट दिए हैं, जहाँ पे पैराग्राफ का पूरा अरेंजमेंट था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया से टेस्ट दीजिएगा। बाकी आपके लिए या और लोगों के लिए जो बोलना है, सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा। अभी मैं आपका परफॉर्मेंस बता रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद ये अभिजीत कुमार फ्रॉम छपरा, अभिजीत कुमार जो छपरा है, ये भी लगभग 10 मिनट अप्रॉक्स लेते हैं। और देखिए अभिजीत, आप देख सकते हैं कि आप एसएससी मोड ट्राई में हैं, देख रहे हैं, पर एक टेस्ट ऐसा है 4244 जिसमें कि आपने 1726 स्ट्रोक मारा, और 34 का स्पीड है, और 33 का स्पीड है, और 15 गलती आपने किया, और आपका एसएससी पास आ गया। यानी कि आप में वो क्षमता है कि आप टेस्ट निकाल सकते हैं, जो आपने इस टेस्ट में साबित किया। तो अगर ये क्षमता आपका यहाँ है, तो वहाँ क्यों नहीं निकलेगा। मैंने कल भी आपको राहुल कृष्णा का बात सुनाया है, जो 30 मार्क के भी वहाँ रिजल्ट निकाला है। तो आपका परफॉर्मेंस बोल रहा है अभिजीत कि आप टेस्ट निकाल सकते हैं, इसलिए अपना बेस्ट दीजिएगा, और यही 4244 वाला जो टेस्ट आपने दिया है, इसको कंट्रोल करके वहाँ टेस्ट लगाइएगा। उम्मीद है कि आपका टेस्ट अच्छा होगा। उसके बाद ये अभिषेक अंतवार फ्रॉम यमुनानगर, ये भी लगभग 10 मिनट का टेस्ट कवर कर रहे हैं, 1763 स्ट्रॉक, 1763, 1764। आपका 2 गलती है, 5 गलती है, और 8 गलती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। 3 गलती एक टेस्ट में और आपने दिया था, तो ओवरऑल जो आपका परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है, आपको कोई परेशानी एग्जाम हॉल में नहीं होगा। और आप अपना फुल टाइम कंज्यूम कीजिए, ठीक है ना, और लगभग फुल टाइम आपका कंज्यूम हो भी रहा है, तो इतना आप जान लीजिए कि आपका जो परफॉर्मेंस है वहाँ बहुत अच्छा जाएगा, और कोई आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अभिषेक अंतवाल फर्स्ट क्लास दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अंतिम में जो मैं वर्ड बोलूँगा उसको जरूर सुनना, आपके लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है वो। अब आइए अभिषेक कुमार फ्रॉम नई दिल्ली, ये 1762, 4 ईयर, फिर इनका 5 ईयर है, 4 ईयर है। देखिए एक एक्स्ट्रा वर्ड आप भी मार रहे हैं, तो एक्स्ट्रा वर्ड जो मार रहे हैं थोड़ा सा उसको कंट्रोल कीजिए, क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा वर्ड एग्जाम हॉल में मारेंगे तो आपका नीचे का लास्ट वर्ड छूटेगा। जो भी लोग एक्स्ट्रा वर्ड मार रहे हैं, ये ध्यान देना कि अगर आपका कीबोर्ड से एक्स्ट्रा वर्ड प्रेस हो रहा है, तो आपके लास्ट के वर्ड जो हैं वो छूट जाएंगे, इसको आपको ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका ये आइए अचिन कुमार फ्रॉम दिल्ली, 1750, इनका भी देखिए एक बार एक एक्स्ट्रा वर्ड, 2 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर, ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, और उम्मीद है कि आपका टाइपिंग बहुत अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। आदित्य कुमार फ्रॉम मुजफ्फरनगर, 1757, 1747, 1749, एक स्टॉक आप लेटेस्ट पैटर्न में भी मार रहे हैं, ओल्ड पैटर्न में भी मार रहे हैं, दोनों तरीका से आप रेडी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, अच्छा है। पर ये जो आप देख रहे हैं कि आपका जो ईरर का जो रेशियो है बहुत ज़्यादा है,
20 ईयर, 15 ईयर, 12 ईयर, तो आपको क्या है ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप एग्जाम आराम से निकालिएगा। ये आपका परफॉर्मेंस बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ना ही आप बोल रहे हैं, बोल रहा है आपका परफॉर्मेंस कि आप में वो क्षमता है कि आप टेस्ट निकालिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस इसी तरीके से अपना बेस्ट दे के निकलना है, ठीक है आदित्य, बहुत बढ़िया है। अब आइए आदित्य तिवारी फ्रॉम उत्तर प्रदेश, इनका जो है आपका 1759, 1 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 4 ईयर, तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस बोल रहा है फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आदित्य तिवारी, अजय यादव फ्रॉम इंदौर, 1 ईयर, 0 ईयर, 5 ईयर, 8 ईयर, तो ये तो आपको परफॉर्मेंस बता रहा है कि बहुत बढ़िया आपका परफॉर्मेंस है। बस ये ध्यान दीजिए कि आपके हाथ से ये एक्स्ट्रा वर्ड नहीं आना चाहिए, कोई भी स्टूडेंट का एक्स्ट्रा वर्ड आएगा तो लास्ट का पारा आपका छूटेगा एग्जामिनेशन हॉल में, लास्ट का जो वर्ड है वो छूट जाएंगे, एक्स्ट्रा वर्ड कभी भी प्रेस नहीं होना है, ठीक है। अब आइए अजीत कुमार फ्रॉम बख्तियारपुर, 7 ईयर, 8 ईयर, 12 ईयर, 18 ईयर, जो आपका परफॉर्मेंस है अभी अजीत कुमार, आपका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है और आप लगभग फुल टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, और इस तरीके से अगर आप एग्जाम में मारेंगे आपका एग्जाम अच्छा निकलेगा और बहुत बढ़िया होगा। ये आकांक्षा फ्रॉम दिल्ली, 4, देखिए आकांक्षा दिल्ली 1750 स्टॉक आपने मारा है 4241 में, 4 ईयर है, फिर 1592 है, 1604 है, फिर 1722 है, 12 ईयर है, तो ये मुझे आप बता सकते हैं कि इतना बड़ा वेरिएशन कैसे है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये वेरिएशन है तो आप मुझे इस वीडियो में अपना क्वेरी दीजिएगा, मैं आपके उस क्वेरी का कल वेट करूँगा कि ये इतना बड़ा वेरिएशन क्या, कि जो स्टूडेंट 1750 मार रहा है वो 1592 पे क्यों गया, 1604 पे क्यों गया, बताइएगा मुझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट के लिए। उसके बाद ये है आकाश भदौरिया फ्रॉम नई दिल्ली, फर्स्ट क्लास होगा आपका, 2232, मैं जानता था क्योंकि आपका परफॉर्मेंस बोलता है और मैं आपके परफॉर्मेंस को जान रहा हूँ, मैं आँख बंद करके भी बोल सकता हूँ कि आपका परफॉर्मेंस फर्स्ट क्लास जाएगा, बहुत बढ़िया आकाश, इसी प्रकार से कंटिन्यू कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये है फ्रॉम आकाश गुप्ता फ्रॉम बांडा, 3 ईयर, 3 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर, देखिए आपका एक्स्ट्रा वर्ड का है, इसको ध्यान देना है आकाश कि एक्स्ट्रा वर्ड आपसे वहाँ टाइप नहीं हो, आप में वो क्षमता है, आप 7.03 में मार रहे हैं, यानी कि टाइमिंग आपका लगभग 3 मिनट बच रहा है, तो 3 मिनट अगर बच रहा है तो उस 3 मिनट को भी और कंज्यूम कीजिए और बेस्ट बनाइए और प्रयास कीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में 0 ईयर आए, जब आप स्लो करके मारेंगे तो बहुत बढ़िया जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया है। आकाश कुमार फ्रॉम राजापुर, 17 ईयर, 4 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, तो उम्मीद है कि ये जो 17 ईयर है यहाँ पर आपका लाइन स्किप किया होगा, वैसे ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, धैर्यपूर्वक मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, फर्स्ट क्लास जाएगा आपका टैपिंग, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत बढ़िया है, इसी प्रकार से कंटिन्यू करके टेस्ट दे दीजिएगा। ये है आकाश कुमार फ्रॉम पटना, इन्होंने एक टेस्ट दिया, बाकी टेस्ट नहीं दिया है, कुछ रीजन होगा, तब भी आपका क्या है कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, 1 ईयर है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है आकाश। अब ये अखिल फ्रॉम सहारनपुर, इन्होंने भी क्या है एक टेस्ट दिया है, 1775 स्टॉक, 3 ईयर, चारों टेस्ट देना चाहिए था, एक टेस्ट दिए, खैर कोई बात नहीं, परफॉर्मेंस अच्छा है, रिजल्ट होगा। आलोक चौरिक फ्रॉम इंदौर, 4 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 0 ईयर, आलोक चौरिक का 2 बार है, आपने एक बार एक्स्ट्रा वर्ड क्रिएट किया है और एक बार 4 ईयर है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपके कीबोर्ड से एक्स्ट्रा वर्ड एग्जामिनेशन हॉल में प्रेस नहीं होना चाहिए, अन्यथा लास्ट का जो वर्ड है वो छूटने का डर रहेगा, ठीक है। अमन कुमार फ्रॉम दिल्ली देहरी, 2 ईयर है, 0 ईयर है, बहुत बढ़िया है अमर कुमार, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ईयर, 0 ईयर, तो ओवरऑल जो आपका परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है, और आपको जो देख रहे हैं कि आपका टाइमिंग भी बहुत कम लग रहा है, मतलब मात्र 7 मिनट में आप पूरा टेस्ट कवर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया आपका एग्जाम जाएगा भी। अमर कुमार फ्रॉम रामनगर नवादा, 3 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, अमर ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और आपका जो टाइमिंग का कंजम्पशन है एकदम 10 मिनट फुल कवर कर रहे हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, फर्स्ट क्लास आपका रिजल्ट होगा टाइपिंग का, कोई परेशानी नहीं होगी। अमित कुमार फ्रॉम कानपुर, अमित 16 ईयर, 13 ईयर, 3 ईयर और 11 ईयर, ईयर का रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, पर ओवरऑल जो परफॉर्मेंस आपका बता रहा है कि आपको कोई परेशानी एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होगा, आप बहुत अच्छा से टाइप करके निकलेंगे और बहुत अच्छा आपका टाइपिंग होगा भी, बहुत बढ़िया है। अमित भारद्वाज फ्रॉम दिल्ली, 3 ईयर, आपने एक टेस्ट दिया है, बाकी टेस्ट को आपने स्किप किया, पर कोशिश करना चाहिए था सारे टेस्ट देने का, ताकि आपको प्रैक्टिस जो है ना, आज का ये जो टेस्ट है ये स्टैंडर्ड है SSC CHSL के हिसाब से, तो आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है और बढ़िया होगा भी, ठीक है।
अमित कुमार दुबे, अमित कुमार ये हैं उड्डप्पा, एक ही रन चार ही रन, बढ़िया है अमित कुमार, कोई दिक्कत नहीं होगा, फर्स्ट क्लास जा रहा है आपका टाइपिंग और एग्जामिनेशन हॉल में भी आपका अच्छा जाएगा। मैं जिसके बारे में अगर बोल रहा हूँ अभी तो ये एकदम जान लीजिए कि ये आपका एग्जामिनेशन हॉल का बात है और जो आपको अपने माइंड में रखना होगा कि हमने क्या आपको बोला। अमित कुमार फ्रॉम प्रयागराज, देख रहे हैं अमित, आप में वो क्षमता है, आपने पूरा मारा, पर आपने क्या किया, 18 एक्स्ट्रा वर्ड को इनपुट किया और ये हो गया 19, अगर मैं देखूँ तो ओवरऑल 24 ईवर्स आपका ये कवर कर रहा है। तो मैं क्या है कि आपको दे रहा हूँ चांस कि आप पास कर सकते हैं, ठीक है, ये 18 ईयर जो है ये बहुत बड़ा बात है, इस स्ट्रोक को आपको कवर करना होगा तब आपका रिजल्ट पास में होगा। मैंने आपको पास बनाया कि आप में क्षमता है, आप निकाल सकते हैं, स्ट्रोक जो एक्स्ट्रा जा रहा है उसको कंट्रोल कीजिएगा अमित, अमित प्रयागराज, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बात कि आपका एक्स्ट्रा बर्ड जो है इसको कंट्रोल करना है, ठीक है। अमित कुमार दुबे फ्रॉम धनबाद, 3 ईयर, फिर 2 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर, देखिए अमित कुमार दुबे एक एक्स्ट्रा वर्ड आया, ये जो आपका क्या टाइमिंग पूरा कवर कर रहे हैं, टाइमिंग में कोई आपका दिक्कत नहीं है, आपको मात्र 7.5 मिनट लगता है, तो आपका टाइमिंग बहुत अच्छा बच रहा है, तो आप थोड़ा सा धैर्यपूर्वक मारिएगा तो वहाँ पे हो सकता है 0 ईयर भी आपका हो जाए, ठीक है। अमित कुमार पांडे फ्रॉम पांडे टोला, ये आपका 2 ईयर 3 ईयर 3 ईयर 3 ईयर, बहुत बढ़िया है अमित कुमार पांडे, फर्स्ट क्लास आपका रिजल्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, बस इसी पूर्वक से अपना टेस्ट दीजिएगा, बहुत अच्छा जाएगा। अमित्रम गोंगली फ्रॉम गोरबेडन नॉट 24 प्रागनाज, यानी कि आप वेस्ट बंगाल से हैं और आपका जो ईयर का रेशियो है 9 है और ओवरऑल जो परसेंटेज आपका चल रहा है फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं होगा, पर प्रयास करना चाहिए था ज़्यादा सारे टेस्ट देने का ताकि आपको पता चलता कि हाँ हम लगातार जब टेस्ट देते हैं तो क्या आपका फीलिंग्स होता है, ठीक है, ओवरऑल आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये है आनंद कुमार फ्रॉम लदानिया, 21 ईयर 9 ईयर और 8 ईयर, फिर 4 ईयर, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप एग्ज़ाम अच्छे से पास कीजिएगा, आपका फर्स्ट क्लास है। बस ये देखिए आनंद कुमार, एक आपका भी मैंने यहाँ पकड़ा कि आपने भी 13 ईयर 13 वर्ड जो आपने एक्स्ट्रा मारा है, यानी कि आप लाइन रिपीट कर दिए हैं, लेटेस्ट वाला में मैंने इसीलिए खोल के रखा था कि आपको पता चले कि आप क्या प्रॉब्लम करते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड जो टाइप कर रहे हैं ना इसको सुधारिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आनंद विक्रमादित्य, 3 ईयर 3 ईयर 1 ईयर, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस आपका है आनंद विक्रमादित्य फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आनंद वार्ड नंबर 8 पावरा फ्रॉम पावरा, 3 ईयर 1 ईयर 3 ईयर, 9 ईयर फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है आनंद, 7 ईयर है, कोई परेशानी नहीं होगा, तुम आराम से अच्छे से रिजल्ट दीजिएगा, बहुत अच्छा जाएगा। अनिल कुमार फ्रॉम एड्रेस दिया नहीं इसलिए आरकेसी टाइप है, बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं, 6 ईयर 16 ईयर 1 ईयर, अनिल ध्यान दीजिएगा क्योंकि देखिए आप सब जगह पास और एक जगह पर जब ईयर का संख्या ज़्यादा हो गया तो आपका 25 ईयर आ गया, थोड़ा सा ध्यान देना है, उम्मीद है कि आपका टाइपिंग अच्छा जाएगा और आपका टाइपिंग अच्छा होगा भी। अब आइए अनिल कंडपाल फ्रॉम हल्डवानी, 8 ईयर 4 ईयर 3 ईयर 11 ईयर, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो बता रहा है आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। ये है अनिल कुमार न्यू दिल्ली, देखिए अनिल 28 ईयर है, 9 ईयर है, आपने 2 टेस्ट दिया है, एक में आपका 28 है यानी कि आप वहाँ लाइन स्किप किए और दूसरा में 9 ईयर आपका बढ़िया गया, तो ये जो लाइन स्किप का जो चक्कर है तो आप इसको कंट्रोल कीजिएगा, उम्मीद है कि आपका टाइपिंग बहुत अच्छा होगा। अनिल पांडे फ्रॉम लखनऊ, 1 ईयर और 4 ईयर, 1 ईयर आपने एक्स्ट्रा में मारा है, 4 आपका एक्चुअल एरर है जो कि आपका जब उसको ऐड करेंगे तो वो 5 ईयर होगा, तो ये जो एक्स्ट्रा आप कर रहे हैं इसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा और अपना अच्छा दीजिएगा। ये है अंजलि डोंगरे फ्रॉम बालाघाट, 2 ईयर एक्स्ट्रा में, 7 ईयर एक्चुअल, तो यानी कि 9 ईयर, ध्यान देना है कि आपसे एक्स्ट्रा वर्ड वहाँ टाइप नहीं हो, क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा वर्ड अगर इनपुट करेंगे एग्जाम हॉल में तो नीचे के 2 वर्ड छूट जाएंगे, आपको ये ध्यान देना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि एक्स्ट्रा जिनसे भी प्रेस हो रहा है वो अपने आप को संभालिए, ठीक है। उसके बाद आइए अंकित फ्रॉम गाजियाबाद, 22 ईयर बॉर्डर लाइन पर अंकित, 1 ईयर एक्स्ट्रा 7 ईयर ये 8,
फिर अंकित 5 हीरर है और 8 हीरर है। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, यहाँ लाइन स्किप का पंगा हुआ होगा आपके साथ, इसलिए ये प्रॉब्लम आया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा होगा आपका। अंकित भारद्वाज फ्रॉम दिल्ली, 3 हीरर और 1 हीरर, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है अंकित, और उम्मीद है कि आपका टाइपिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यह है अंकित कुमार, डिग्री कॉलेज रोड, 0 हीरर। ये बहुत बड़ा बात है कि आप 0 हीरर कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आपका टाइपिंग बहुत अच्छा होगा। अंकित कुमार फ्रॉम नवादा, 2 हीरर 3 हीरर, फिर नहीं सिर्फ सिंगल आपने 2 टेस्ट मारा है, 1 हीरर और 2 हीरर का, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये फिर है अगर अंकित कुमार, 3 नंबर 3 नंबर, और फिर आपका है 6 मिलाए हैं, आपने 1 एक्स्ट्रा बट क्लिक किया और उसके चलते आपको यहाँ 6 हुआ। एक्स्ट्रा बट नहीं दबाना, एक्स्ट्रा बट दबाओगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको परेशानी हो सकती है, एक बट आपका छूट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रेशर रहेगा और उस प्रेशर में एक बार तो पहले ही आपने छोड़ दिया, इसको ध्यान देना कि आपके कीबोर्ड से एक्स्ट्रा वर्ड प्रेस ना हो। अंकित कुमार सिंह, 4 हीरर, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, फ्रॉम DR, उम्मीद है कि आपका टाइपिंग अच्छा होगा। अंकुर कुमार नागपुर, अंकुर का 13 हीरर है, 5 हीरर है, 7 हीरर है, फर्स्ट क्लास है अंकुर, इसी प्रकार से टेस्ट दीजिएगा, उम्मीद है कि आपका टाइपिंग बहुत अच्छा होगा। अंकुश फ्रॉम दिल्ली, 1 हीरर एक्स्ट्रा में 9 हीरर टोटल 10। तो अंकुश, अगर आप 1 हीरर एक्स्ट्रा करेंगे ना तो वहाँ पे लास्ट का एक वर्ड छूटेगा, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके हाथ से एक्स्ट्रा वर्ड टाइप नहीं हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंकुश, एक्स्ट्रा वर्ड टाइप नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। बाकी ईरर जो है थोड़ा सा ज़्यादा का है, पर ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका अच्छा है, टाइपिंग आपका होगा। अनमोल राज फ्रॉम दरभंगा बिहार, 8 हीरर एक्चुअल और 1 हीरर एक्स्ट्रा, यानी कि 9 हीरर। एक्स्ट्रा वर्ड नहीं टाइप हो, एक्स्ट्रा वर्ड जिनका भी टाइप होगा उनसे लास्ट में एक वर्ड छूटेगा, ये आपको ध्यान देना है, इसलिए एक्स्ट्रा वर्ड को कंट्रोल कीजिए। फिर आइए अनमोल संगल फ्रॉम दिल्ली, 3 हीरर 3 हीरर, ओवरऑल जो ये परफॉर्मेंस है, उम्मीद है कि आपका टाइपिंग बहुत बढ़िया जाएगा और आप पास करेंगे, बस धैर्यपूर्वक मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अनु फ्रॉम YBR, 2 हीरर 1 हीरर 2 हीरर 3 हीरर, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट है और आप पास करेंगे। अनुभव अकबरपुर, 5 हीरर 6 हीरर 6 हीरर 5 हीरर, परफॉर्मेंस अच्छा है, टाइपिंग भी अच्छा जाएगा, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अनुभव दिल्ली, 8 हीरर, देखिए अनुभव आपका 8 हीरर है और 10 हीरर है, पर एक टेस्ट आप देख रहे हैं कि ये 17 और 37 हीरर हो गया। एक तो आपने पहले क्या कि एक्स्ट्रा वर्ड टाइप कर दिया, उसके बाद क्या है कि 2-3 लाइन आपका मिक्सअप हो गया या आपने स्किप कर दिया, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जब आप इतना बढ़िया टाइप कर रहे हैं तो फिर आपके हाथ से ऐसा क्यों, इसको आपको पकड़ना होगा, इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसा टेस्ट में नहीं हो, बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। अब आइए अनुभव राय फ्रॉम प्रतापगढ़, 1 हीरर 4 हीरर 2 हीरर 1 हीरर, ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और आपका टाइपिंग पास होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। यह है अनुराग उपाध्याय आगरा, 3 हीरर 3 हीरर 2 हीरर 0 हीरर, इसको बोलता है बेस्ट परफॉर्मेंस। 0 हीरर का मतलब है कि बेस्ट, आपका जो परफॉर्मेंस जा रहा है बहुत बढ़िया है और उम्मीद है कि आपका अच्छा टाइपिंग होगा, और आप में ये जो कला है ना कि आप 10 मिनट पूरा कंज्यूम कर रहे हैं, यही मैं सबको ही बोलता हूँ कि आप अपना बेस्ट दो, कोई ज़रूरी नहीं है तेज मारने का, मारने का है अंडर टाइम बेस्ट एक्यूरेसी। ठीक है, अब आइए अरिजीत फ्रॉम वेस्ट बंगाल, 3 हीरर 2 हीरर, फर्स्ट क्लास है अरिजीत, टेस्ट आपका होगा और आप अच्छे से पास करेंगे। ये अर्जुन के फ्रॉम त्रिशूर, 0 हीरर, बहुत बढ़िया है, फिर 19 हीरर 3 हीरर 3 हीरर, यानी कि 19 हीरर जो है वहाँ पे आपका लाइन का मिस्टेक है, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। ठीक है, आप वहाँ लाइन स्किप कर गए तो ये जो प्रॉब्लम है इसको आपको ठीक करना होगा किसी भी कीमत पे। ठीक है अर्जुन, बहुत बढ़िया। अब आइए अर्पित फ्रॉम मुरादाबाद, 7 हीरर, 1 टेस्ट दिया आपने, बाकी स्किप किया, परफॉर्मेंस अच्छा है, टाइपिंग पास कीजिएगा। अर्पित कुमार फ्रॉम उज्जैन, 7 हीरर 14 हीरर, ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक है, दिक्कत नहीं होगा, पास कीजिएगा। अब आइए अर्पिता फ्रॉम कोलकाता, ये देखिए 50 हीरर 1 में आ गया अंकिता, थोड़ा सा दिक्कत हुआ, अगला में आपने कंट्रोल किया 17 हीरर 15 हीरर 10 हीरर, ये आपका परफॉर्मेंस बोल रहा है कि आपका टाइपिंग वहाँ पास होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस अपना बेस्ट देना, ये आपका परफॉर्मेंस बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपका परफॉर्मेंस बोल रहा है कि आप इससे पास करेंगे। आशीष मेहता फ्रॉम रांची, 3 हीरर, आशुतोष कुमार सिंह, आपका भी आशीष अच्छा है पर पूरा टेस्ट देना चाहिए था, ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़िया है। आशुतोष कुमार सिंह फ्रॉम हाजीपुर वैशाली, 34 हीरर, और उसके बाद बस एक ही टेस्ट दिया आपने,
यही तो गड़बड़ है, क्योंकि आपका जो परफॉर्मेंस है ये बता रहा है कि आप अभी फंसे हुए हैं, तो ऐसे कैसे होगा? जब मैंने बोला चार टेस्ट देने के लिए तो बस एक टेस्ट दिए और हो गया कट। ठीक है, जैसा आप सोचिए। अतुल सिंह फ्रॉम सहारनपुर, 24 ही रन, बॉर्डर लाइन पर सिलेक्शन है। यू आर अगेन राहुल कृष्णा, 24 ही रन, एक ही रन एक्स्ट्रा किया और 23 ऐसे किया, 24 ही रन टोटल हुआ, तब भी आप पास हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अतुल। उसके बाद ये भानुनाथ कुमार फ्रॉम हैदराबाद, आई थिंक योर लैंग्वेज इज इंग्लिश एंड यू लिसन थ्रू यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज। तो भानुनाथ कुमार, योर परफॉर्मेंस इज वेरी गुड एंड योर एक्यूरेसी इज वेरी गुड और योर ईयर इज ओनली 2, यानी नॉर्मली आई से यू पास इन योर एक्चुअल एग्जाम, नो प्रॉब्लम, ओके थैंक यू। बेनेट को फ्रॉम कलकत्ता, 0 ईयर 0 ईयर, बहुत बड़ा बात है, बहुत बढ़िया, यही परफॉर्मेंस चाहिए, 2 टेस्ट दिया है तो 0 ईयर आए हैं, बेस्ट है, बहुत बढ़िया। अब आइए भावना भारती फ्रॉम दुमका झारखंड, 1 ईयर 8 ईयर, देखिए कैसे लाइन छूटता है, तो 29 ईयर हो गया, मोटर में चले गए, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऐसा परीक्षा हॉल में नहीं होना चाहिए, हमें चाहिए 1, 8, 17 तीनों चलेगा, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। ठीक है ना भावना भारती, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, अच्छा होगा आपका। बिट्टू कुमार फ्रॉम गया, वाह, 4241, 0 ईयर 0 ईयर, बहुत बढ़िया है बिट्टू और आपका टाइपिंग बहुत अच्छा होगा, वेरी गुड। फिर आइए ये चंद्रन भट्टाचार्य, 0 ईयर 1 टेस्ट दिया है, बहुत बढ़िया है, उम्मीद है कि आपका टाइपिंग अच्छा होगा। चंदन गुप्ता फ्रॉम गया, 9 ईयर 11 ईयर 16 ईयर 8 ईयर, परफॉर्मेंस अच्छा है, पास कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फ्रॉम चंदा पालाकाड, 0 37 ईयर, मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, एक तो पहले एक टेस्ट और बाकी टेस्ट को आपने स्किप किया और ऊपर से आपका ईयर का रेशियो बहुत ज़्यादा है, कोशिश कीजिए, ऐसे काम नहीं होगा। जब चार टेस्ट मैंने बोला था तो चार टेस्ट मानना चाहिए था। चिरंजीवी राय फ्रॉम अररिया, 2 ईयर 3 ईयर 8 ईयर, बहुत बढ़िया है चिरंजीव राय, और फिर 1 ईयर, बहुत अच्छा है, टाइपिंग पास कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आप ये डेवरा दास फ्रॉम कोनगढ़, 3 ईयर, फिर ये है दलविनन दत्ता नियर WPSC ऑफिस कोलकाता, 12 ईयर, 1 ईयर आपका एक्स्ट्रा है, लास्ट का लाइन आपका छूटने का डर रहेगा इस प्रक्रिया में। अब आइए ये दीक्षा खंडेवाला फ्रॉम जयपुर, 43 ईयर है, कैसे कंट्रोल होगा, ईयर को कंट्रोल कीजिए, ऊपर से आपने एक ही टेस्ट मात्र दिया है, बहुत फॉल्टी बात है, एक टेस्ट आपने दिया 43 और एक टेस्ट आपने 2 टेस्ट दिया, पर ये देखिए ये जो एक पहला टेस्ट दिया है आपका उसमें लाइन स्किप कर गया, तो लाइन स्किप करेंगे तो फिर पूरा रिजल्ट आपका फेल हो सकता है, और दूसरे में आपने 3 ईयर किया है, 1 एक्स्ट्रा है, 2 एक्चुअल है, तो इसको कंट्रोल को करना पड़ेगा तभी आपका सही होगा। ठीक है, और एग्जामिनेशन हॉल में कंट्रोल करके टेस्ट दीजिएगा। दीपक RKC, 9 ईयर 47 ईयर, ऐसा नहीं काम चलेगा दीपक, आपको जब मैंने 4 टेस्ट बोला तो आप 1 टेस्ट दिए हैं, वो भी मोटर में, परेशानी हो सकता है, गारंटी नहीं बोलूँगा। दीपक नंगार बरम ब्यौरा, 25 ईयर, देख रहे हैं कि 25 ईयर हो गया, आप बॉर्डर लाइन के उस पार चले गए, कंट्रोल कीजिएगा अपने टाइपिंग को, समय कम में आप मार रहे हैं, मात्र आपके पास 1 मिनट बच रहा है और हम गलती ऐसा करेंगे, क्यों करेंगे, हम पूरा 10 मिनट यूज करेंगे दीपक। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, बेस्ट दीजिए, 4 ईयर 16 ईयर 3 ईयर 3 ईयर, दीपक शर्मा नोएडा, दीपक दंगर व्यौरा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है और आपका टाइपिंग अच्छा होगा। दीपेश शर्मा फ्रॉम नोएडा, 3 ईयर 2 ईयर, बहुत बढ़िया है, टाइपिंग आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। डिम्पल सिंह, 7 ईयर 10 ईयर, फिर 10 ईयर 10 ईयर 10 ईयर 19 ईयर, ये देखिए ये जो परेशानी है कि आप ये कंटिन्यूस का जो देखिए है कि ईयर का संख्या बढ़ा, कंट्रोल कीजिएगा अपने ईयर को तो एग्जामिनेशन हॉल में भी बहुत अच्छा होगा। फ्रॉम दुरहन बरुआ, 2 ईयर 0 ईयर 2 ईयर, फिर 5, परफॉर्मेंस अच्छा है, पास। दुर्गेश कुमार, 7 10 7 SSC पास। जी सतीश गुंटूर, 3 4 6 और 5 SSC पास। गणेश मार्फी, 89 87, नहीं गणेश पॉसिबल नहीं है, मोट ट्राई बिकॉज योर परफॉर्मेंस इज वेरी बैड फॉर दिस CHSL, सो आई डोंट से कि आप पास कर सकते हैं, सॉरी। फ्रॉम गौरव हरियाणा,
पानीपत 0020 बहुत बढ़िया है, यू आर एसएससी पास, कोई रोकने वाला नहीं है। गुलशन कुमार फ्रॉम बक्सर 10 ईरर 15 ईरर 3 ईरर 10 ईरर, नहीं गुलशन कुमार का 2 टेस्ट है और 10 ईरर 15 ईरर तब भी आपका पास होगा एसएससी में, कोई दिक्कत नहीं होगा। गुंजल अग्रवाल फ्रॉम देवली 3 ईरर 10 ईरर, फिर 7 ईरर 5 ईरर एसएससी पास है, कोई दिक्कत नहीं होगा, फर्स्ट क्लास होगा आपका। हल्दवानिया फ्रॉम जोधपुर 16 ईरर 7 ईरर 2 ईरर 5 ईरर एसएससी पास है, कोई रोकने वाला नहीं है। हैप्पी फ्रॉम फैजाबाद 0 ईरर 1 ईरर 0 ईरर 1 ईरर एसएससी पास, एग्जामिनेशन हॉल का एडवांस रिजल्ट दे रहा हूँ, एसएससी पास है, कोई रोकेगा नहीं। हर्षित फ्रॉम कानपुर 13 ईरर 10 ईरर 2 ईरर 5 ईरर 1 ईरर आपका एक्स्ट्रा है, ध्यान दीजिएगा सीट, वैसे ओवरऑल दिक्कत नहीं होगा, आप एसएससी पास हैं। हर्षित कुमार गुप्ता फ्रॉम 7 ईरर 3 ईरर 4 ईरर 5 ईरर लक्ष्मीपुर खैरी एसएससी पास हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। मनसित मोदी माधोपुर फ्रॉम सवाई माधोपुर फ्रॉम राजस्थान, मैं एक बार उधर गया है, बहुत अच्छा है, 16 ईरर है, टेस्ट आपको सारा देना चाहिए था, हो सकता कि आप जो कुछ लफड़ा हुआ था उधर राजस्थान में तो नेट का बंद का पोजिशन में आप नहीं दे पाए हो पूरा, खैर ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, आपका एसएससी पास होगा। अब आइए हसमुख फ्रॉम अहमदाबाद 12 ईरर, लाइन पे कंट्रोल कीजिएगा, थोड़ा सा लाइन अगर छूटेगा तो आप मोड ट्राई में चले जाते हैं, देख रहे हैं, इसलिए ध्यान देना अपने लाइन पे, उम्मीद है कि आपका अच्छा होगा। हेमलता फ्रॉम दिल्ली 17 ईरर और 2 ईरर टोटल 19 है, ओवरऑल पास हैं, गलती को थोड़ा कंट्रोल करके एग्जामिनेशन हॉल में दीजिएगा, उम्मीद है कि अच्छा होगा। हिमांशु मेहरा सी गंगानगर 2 ईरर 0 ईरर 2 ईरर 0 ईरर बहुत बढ़िया है हिमांशु मेहरा और फर्स्ट क्लास है, टाइपिंग आपका एसएससी पास, एडवांस रिटेन एडवांस स्पीक एसएससी पास। हिमांशु फ्रॉम जमालपुर 1 ईरर ऐसे एक्स्ट्रा में है, 9 ईरर 10 ईरर तब भी आपका एसएससी पास होगा, दिक्कत नहीं होगा, पर प्रयास करना चाहिए आपको चारों टेस्ट देने का। हिमांशु जयसवाल फ्रॉम पटना 4113 एसएससी पास, कोई नहीं रोकेगा, 100% ओके। अब आइए हिया कोलकाता 29 ईरर, मोटराय में चले गए ना, एक ही टेस्ट दिए हैं और इस तरीके से दिए हैं तो दिक्कत है आपको, तो मतलब कि अगर आपका कैटेगरी अनरिजल्ट के अलावा है तो आपका रिजल्ट होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। जसप्रीत सिंह फ्रॉम न्यू दिल्ली 4 ईरर 1 ईरर 3 ईरर 1 ईरर ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और आपका रिजल्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, फर्स्ट क्लास है। जयदीप साचन 6 ईरर 8 ईरर 6 ईरर 5 ईरर ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, फर्स्ट क्लास होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आइए जयेश फ्रॉम त्रिवेंद्रम, आई थिंक योर परफॉर्मेंस सम लिटिल प्रॉब्लम बट यू कैन क्लियर योर टाइपिंग टेस्ट इन एग्जामिनेशन हॉल इफ योर ईयर इज कंट्रोल इन एग्जाम हॉल देन यू पास, ओके। 18 ईयर 30 ईयर 85 देन प्रॉब्लम बट under 13 under 24 देन यू पास, अदरवाइज फेसिंग प्रॉब्लम इन एग्जामिनेशन हॉल। जयेश, अब आइए ये हैं झुन्नू कुमार फ्रॉम मुजफ्फरपुर 6 ईयर 7 ईयर 19 ईयर, थोड़ा सा देखिए झुन्नू, थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा अपने ईयर को, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, आपका टाइपिंग एग्जामिनेशन हॉल में पास होगा। जिम्मू फ्रॉम कोलकाता 9 ईयर 10 ईयर परफॉर्मेंस अच्छा है, एसएससी में पास होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जितेंद्र नरोका फ्रॉम केहरली 6 ईयर 4 ईयर 9 ईयर ओवरऑल परफॉर्मेंस गुड है, एसएससी पास करेंगे। जितेंद्र प्रताप सिंह गौतम 8 ईयर 6 ईयर 5 ईयर 3 ईयर एसएससी पास हैं, कोई रोकने वाला नहीं, फर्स्ट क्लास, टाइमिंग का भी बहुत अच्छा आपका है, गैपिंग कोई दिक्कत नहीं होगा। जितेश कुमावत फ्रॉम जयपुर 0 ईयर फिर 2 ईयर ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, एसएससी आपका पास होगा। काजल कुमारी फ्रॉम जमशेदपुर 3 ईयर 2 ईयर ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, 4 ईयर टाइपिंग पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। कर्णपाल सिंह तोमर फ्रॉम ग्वालियर, देखिए आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपने ईयर को क्योंकि आपका ईयर थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर अदर देन कैटेगरी ईयर के अलावा अगर आपका कोई कैटेगरी है तो हो सकता है कि आपका टाइपिंग पास हो भी सकते हैं, ठीक है, कोशिश कीजिएगा बहुत अच्छा देने का। अब आइए ये हैं केशव बसौनिया 22 ईयर 5 ईयर
एक ही सिंगल टेस्ट दिए। फिर ये केशव कुमार झा फ्रॉम अररिया, 5 ईरर SSC पास। कीर्ति शर्मा 1 ईरर 2 ईरर बहुत बढ़िया है, पानीपत से कीर्ति पास हो जाएगा। कौशिक साहा 0 ईरर बहुत बढ़िया है, SSC पास हैं आप। कृष्ण कुमार 24 ईरर देख रहे हैं, स्टॉक और ये के चलते आप फंस गए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हो सकता है कि आपका टाइपिंग हो जाए, ठीक है, बहुत नॉमिनल का अंतर है। कुलदीप फ्रॉम रैसन नगर 11 ईरर 10 ईरर 15 ईरर 4 ईरर ओवरऑल परफॉर्मेंस SSC पास। कुणाल कुमार फ्रॉम मुजफ्फरपुर 10 ईरर SSC पास हैं। लक्ष्य रावत 0 ईरर 2 ईरर फर्स्ट क्लास है, SSC पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। ललित कुमार 4 ईरर 0 ईरर 9 ईरर 4 ईरर SSC पास हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लिंजे फ्रॉम तमिलनाडु, योर परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, योर स्टॉक्स इज ऑल्सो गुड एंड योर स्पीड इज ऑल्सो गुड और योर एक्यूरेसी इज गुड, सो नो प्रॉब्लम इन एक्चुअल टेस्ट एंड योर क्वालिफिकेशन इन टैपिंग फर्स्ट क्लास SSC पास। मधु मिश्रा फ्रॉम बस्ती 5 ईरर पास। मनीष प्रताप सिंह रायबरेली 2 ईरर 0 ईरर 5 ईरर तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है मनीष प्रताप सिंह आप SSC पास हैं, कोई रोकेगा नहीं। मनीष कुमार फ्रॉम आरा 1141 SSC पास, कोई दिक्कत नहीं है। मनीष कुमार फ्रॉम झांसी 129 और 7 कोई दिक्कत नहीं होगा, SSC पास कीजिएगा। मनीष कुमार पटना 7 ईरर 11 ईरर 7 ईरर ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर बोल रहा हूँ कि SSC पास कीजिएगा। मनोज कुमार फ्रॉम कालेरस फ्रॉम सिंगल 5 ईरर है, ओवरऑल पास है। मनोज कुमार पटना 7 ईरर देखिए लाइन जो छूटने का जो डर है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मनोज ध्यान दीजिएगा आगे से कि आपसे लाइन नहीं छूटे, इंपॉर्टेंट है। बाकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है आपका अच्छा है और अच्छा जाएगा। मानसी अग्रवाल 3 ईरर 5 ईरर परफॉर्मेंस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। मयंक फ्रॉम मेरठ, दिक्कत है मयंक, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस दिख रहा है परेशानी है, इतना कम करके नहीं पॉसिबल है क्योंकि आज का पैसेज भी जो हमारा है वो स्टैंडर्ड है और एज पर SSC के इक्विवेलेंट 2 है। परफॉर्मेंस बता रहा है कि आपका SSC में टाइपिंग थोड़ा मुश्किल है। मोहम्मद दाऊद फ्रॉम बोकारो 2 ईरर 10 ईरर 2 ईरर बहुत बढ़िया है, SSC पास कीजिएगा। मोहम्मद रिजवान अहमद फ्रॉम नवादा 4 ईरर 11 ईरर 19 ईरर बढ़िया है, SSC पास कीजिएगा। मिल्लू प्रधानी फ्रॉम भवानीपटना 1 ईरर SSC पास। मोहम्मद इब्राहिम देली 2164 ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, SSC पास कीजिएगा। अब आइए मोनू यादव फ्रॉम लखीसराय 5710 और ये 40 तो देखिए आपका क्या है कि मैं इसके इधर पर रिजल्ट बनाया पर ये जो आपका 17 ईरर है एक्स्ट्रा में ये आपके लिए घाटा करेगा एग्जामिनेशन हॉल में। अगर आप एक्स्ट्रा वर्ड टाइप करते हैं तो आपका जो परफॉर्मेंस है गिरेगा और आपका SSC में परेशानी हो जाएगा। एक्स्ट्रा वर्ड किसी भी कीमत पे किसी से नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। मैं आपको पास में रखा हूँ जरूर पर आपका ये एक्स्ट्रा ईरर जो है ये आपको परेशान कर देगा। मास्तु फ्रॉम दरभंगा 3 ईरर 11 ईरर 20 ईरर परफॉर्मेंस अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, फर्स्ट क्लास। नमिता त्रिवेदी 7 ईरर 15 2 17 तब भी पास, अगले में फंस गए कानपुर के हैं 54 ईरर देखिए स्पीड आपका अच्छा जा रहा है पर ईरर का जो रेशियो है कुछ कभी ज़्यादा हो जा रहा है तो इसको ध्यान देना होगा कि अगर हम टाइम के अंदर अगर कंट्रोल करते हैं हम नहीं उतना मार पाते 1700 भी मार लेंगे तब भी आप पास कर जाएंगे। नवीन यादव फ्रॉम सिकोहाबाद, देखिए दिक्कत है नवीन, अभी थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, तभी उपाय है, गलती की संख्या बहुत ज़्यादा है। नीरज मधुबनी 3020 बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, SSC पास कीजिएगा। निहारिका बर्मन 11 ईरर दूसरा में 38 तीसरा में 54 फिर 14 2 टेस्ट पास 2 टेस्ट फेल कंट्रोल कीजिएगा तो हो सकता है कि आपका टाइपिंग पास हो जाए। निखिल फ्रॉम दिल्ली 1242 टाइपिंग SSC पास। निखिल आर्या गाजियाबाद 0 ईरर 2 ईरर 5 ईरर 3 ईरर SSC पास हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। निखिल पट्टीदार फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट धार 9 ईरर SSC पास 3 पास। निकिता जयपुर का है 4141 ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है फर्स्ट क्लास है, आप SSC पास कीजिएगा। नीरज प्रसाद फ्रॉम नागपुर 10 ईरर 5 ईरर SSC पास हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। नीरज वर्मा 5 ईरर 2 ईरर SSC पास हैं। निरंजन
नवी मुंबई 244 एसएससी पास, निशान फ्रॉम नवादा 0031 एसएससी पास है, कोई नहीं रोकेगा। पंकज कुमार फ्रॉम नरनौल हरियाणा 3225 एसएससी पास है, कोई परेशानी नहीं होगा। पंकज कुमार फ्रॉम वैशाली 5 इधर 3 इधर 4 इधर और 4 इधर एसएससी पास हैं, एक एक्स्ट्रा वर्ड हो रहा है, अगर एग्जामिनेशन हॉल में होगा तो एक वर्ड आपके छूट सकते हैं, इसलिए आगे से ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, एसएससी पास कीजिएगा। पंकज सैनवाल फ्रॉम अल्मोड़ा उत्तराखंड 3 इधर 1 इधर 0 इधर बहुत बढ़िया है, एसएससी पास कीजिएगा। पारस मेहता हल्द्वानी 11 इधर एसएससी पास, और मेहनत कीजिएगा और उम्मीद है कि एसएससी पास भी कीजिएगा। पाठक फ्रॉम वाराणसी 3372 एसएससी पास हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। पीयूष पांडे मंदसौर 25 इधर फिर 4 इधर, एक बार लाइन छोड़ दिया है, एक बार आपका अच्छा गया है, कंट्रोल कीजिए अपने लाइन पे। ओवरऑल परफॉर्मेंस है कि आप एसएससी पास कर सकते हैं। पूजा कुमारी फ्रॉम रोहतास 11 इधर 23 इधर 52 इधर 42 इधर, आप में देखिए क्षमता है, आप निकाल सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल करके कीजिएगा तो उम्मीद है कि आपका टाइपिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप एसएससी पास में भी आ रहे हैं, रोटेशन है, ठीक है। प्राची शर्मा फ्रॉम इंदौर 5 इधर 20 इधर फिर 2 इधर 1 इधर, तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है आपका बहुत बढ़िया है, आप आराम से एसएससी पास कर जाइएगा। प्रदीप फ्रॉम कोलकाता 3 इधर एक्स्ट्रा में 1 इधर टोटल 4। प्रसन्न दत्ता पास कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रसन्न दत्ता फ्रॉम मालदा नहीं, मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। प्रतीक फ्रॉम पटना 1 इधर 1 इधर 1 इधर 0 इधर, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, एसएससी पास कीजिएगा। प्रतीप कुमार फ्रॉम जनता कॉलोनी बैरागी गया, आपका परफॉर्मेंस मुझे पढ़ना भी पड़ेगा क्योंकि मैं आपका पर डे देखता हूँ, ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका बहुत अच्छा है, आप एसएससी पास कीजिएगा। फिर है प्रथम कौशल करनाल 3 इधर 1 इधर 1 इधर 1 इधर 4 इधर 2 एक्स्ट्रा है 2 आपका इधर है, एक्स्ट्रा जब मारेंगे ना तो एग्जामिनेशन हॉल में 2 बार आपको छूट जाएगा, तो वो आपका और प्रॉब्लम करेगा और आपका इधर का संख्या भी बढ़ा देगा, तो ध्यान दीजिएगा एक्स्ट्रा वर्ड नहीं हो। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, पास कीजिएगा। प्रतीक परमानंद फ्रॉम मेदिनीपुर 18 इधर है 13 इधर है 31 इधर है, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए अपने इधर को, तब भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, पास कर सकते हैं। परवेश फ्रॉम फरीदाबाद, आपका क्या कि देखिए इधर का रेशियो बहुत ज़्यादा है, दिक्कत होगा। प्रियंका फ्रॉम दिल्ली, इधर का संख्या बहुत ज़्यादा है प्रियंका, थोड़ा मुश्किल है, चांस नहीं हो पाएगा। प्रियंका कुमारी फ्रॉम नवादा 1 इधर 2 इधर 1 इधर 3 इधर, ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और आपका एसएससी पास होगा। पुरुषोत्तम कुमार फ्रॉम आरा, पुरुषोत्तम आपका जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल अच्छा है और आपने एक 4241 वाले में उम्मीद है कि आपने लाइन शिफ्ट कर दिया जिसके चलते ये प्रॉब्लम आया है, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है आपका बहुत बढ़िया है और आप एसएससी पास कीजिएगा। पुष्कर फ्रॉम पटना 0 इधर, वाओ बहुत बढ़िया पुष्कर, 100% एकदम एडवांस रिटर्न बाय मी कि योर टाइपिंग इज़ वेरी गुड इन एग्जामिनेशन हॉल, और आपका परफॉर्मेंस बोल रहा है कि आपका बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया, वेल डन, चारों में 0 इधर लाए हैं, बहुत अच्छा बात है, बहुत बढ़िया। राधेश श्याम कुमार 10 इधर 17 इधर 14 इधर, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, एसएससी पास कीजिएगा। रफत सैनी फ्रॉम जयपुर 23 इधर, एक बार पास हैं एक बार फंस गए, फिर दोबारा में फिर फंस गए, ध्यान दीजिए रफत सैनी, आप में वो क्षमता है कि आप टेस्ट निकाल सकते हैं, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस बोल रहा है कि आपको बहुत बढ़िया जाएगा, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा और उम्मीद है कि आपका आप टाइपिंग अच्छा जाए, ठीक है, बहुत बढ़िया से मारिए। ये देखिए राहुल फ्रॉम राजगीर 1 इधर है 0 इधर है 3 इधर है 2 इधर है, राहुल बहुत बढ़िया आपका परफॉर्मेंस है और उम्मीद है कि आपका टाइपिंग अच्छा है और अच्छा होगा भी और एग्जामिनेशन हॉल में आपका अच्छा जाएगा, आपका टाइपिंग पास हो जाएगा। राहुल कुमार फ्रॉम इस्लामपुर 7 इधर 7 इधर, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, एसएससी पास। राहुल कुमार ठाकुर आसनसोल 0071, परफॉर्मेंस बोल रहा है एसएससी पास कीजिएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। राहुल मौर्य फ्रॉम कुंदा 6 इधर, एक टेस्ट दिए तब भी आपका एसएससी पास है और आपका एग्जामिनेशन हॉल में भी पास होगा। राहुल सिंह फ्रॉम हल्द्वानी 2 इधर 1 इधर 3 इधर 1 इधर, परफॉर्मेंस बोल रहा है एसएससी पास कीजिएगा, कोई रोकेगा नहीं आपको। रजित पटेल फ्रॉम कानपुर 41 इधर 59 इधर, देखिए जो आदमी 0 इधर मारेगा और वो क्या है लाइन छोड़ेगा, ऐसा नहीं होता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, इतना बड़ा फैक्टर कि 0 और 10 और कहाँ 41 और 59, तो आप में वो क्षमता है जब आप 0 मार सकते हैं, तो फिर ऐसा क्यों,
कंट्रोल कीजिए अपने आप को, ठीक है, कंट्रोल करना पड़ेगा तभी उपाय है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना बड़ा गैपिंग आ जाएगा, जीरो रन मारने वाला को 41 ही होगा, कभी नहीं होगा। आपको कंट्रोल करना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में, अपने हाथों को, अपने उंगलियों को। फिर ये राजेश कुमार गुप्ता फ्रॉम रांची, 10 सीटर 10 सीटर, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, SSC पास कीजिएगा। राजनंदन फ्रॉम रो, 1 ईयर 4 ईयर 1 ईयर, परफॉर्मेंस अच्छा है, कोई रोकेगा नहीं, SSC आपका टाइपिंग पास होगा। राजू कुमार पटना, 4 ईयर 0 ईयर 3 ईयर 5 ईयर, परफॉर्मेंस बोल रहा है राजू, SSC पास। रमन कुमार फ्रॉम मुजफ्फरपुर, 9 ईयर, SSC पास, वहाँ भी पास होइएगा। रणवीर कुमार समस्तीपुर, 5 ईयर 2 ईयर, परफॉर्मेंस बोल रहा है, SSC पास कीजिएगा। रोशन कुमार 5 ईयर 3 ईयर, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है और ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका SSC में भी पास होगा। रोशन कुमार फ्रॉम सुरसैंड, 16 ईयर, कंट्रोल कीजिएगा ईयर तो आपका भी उम्मीद है कि टाइपिंग पास होगा, पर टेस्ट आपको चारों देना चाहिए था, ठीक है। रवि कुमार गया, 6 ईयर 7 ईयर 8 ईयर 6 ईयर, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, SSC पास होइएगा। रवि कुमार रांची, 32 ईयर 55 ईयर 34 ईयर 28 ईयर, कंट्रोल करना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में, तभी आपको उपाय है, ठीक है। ये अपना ध्यान देना है, आपके लिए भी कुछ शब्द होगा लास्ट में जो मैं बोलूँगा, उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, उसको सुनिएगा। अब आइए, ये हैं फिर रवि कुमार फ्रॉम सारण बिहार, 10 ईयर 11 ईयर, फिर आपका 8 ईयर 11 ईयर, SSC पास हैं और आपका SSC पास होगा भी। रवि कुमार सोनी फ्रॉम रीवा, 3 ईयर 4 ईयर 4 ईयर, परफॉर्मेंस अच्छा है, SSC पास कीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। रवि प्रकाश फ्रॉम अयोध्या, कंट्रोल करना पड़ेगा रवि, ईयर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, मुश्किल भी है, कह नहीं सकता होगा कि नहीं होगा, पर प्रयास कीजिएगा कि जितना मेहनत कर सके वहाँ पर जितना ताकत लगाना लगा लीजिएगा। कमेंट आपका मेरे तरफ से नहीं के बराबर है, पर कोशिश करने में अगर आप जाते हैं तो कोशिश कीजिए। रवि ठाकुर न्यू दिल्ली, 0 ईयर 2 ईयर 14 ईयर, फिर 0 ईयर, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, SSC पास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। रेखा कुमारी पटना, 3 9 6 7, SSC पास। रेणुका पुरैन रांची, 2 1 2, SSC पास, बहुत बढ़िया, पास कीजिएगा, कोई नहीं रोकेगा। ऋचा यादव फ्रॉम कानपुर नगर, 3 3 0 और 8, SSC पास हैं। 1 ईयर आपका एक्स्ट्रा दबाए थे जिसके चलते आपका देखिए वहाँ बढ़ रहा है, तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में अगर एक्स्ट्रा बूट करेंगे कोई भी तो लास्ट का बर्ड छूटेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। रितेश कुमार 8 ईयर फ्रॉम पटना, SSC पास हैं। रिया फरीदाबाद, 2 ईयर 2 ईयर 6 ईयर, ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, पास कीजिएगा। रॉबिन फ्रॉम दिल्ली, 19 ईयर, तभी पास हैं, मेहनत कीजिए। और रॉक ड्यूड, 20 ईयर 28 ईयर 41 ईयर 24 ईयर, तो देखिए परफॉर्मेंस बोल रहा है, आपका जो परफॉर्मेंस बोल रहा है कि आप SSC पास कीजिएगा, ठीक है, प्रेशर को वहाँ पे किल करना है, कोई रोकेगा नहीं, ठीक है, आपका परफॉर्मेंस बोल रहा है कि आप निकाल लीजिएगा, ठीक है रॉक। उसके बाद आइए रोहन फ्रॉम चंदवारा, 35 ईयर 18 ईयर, दो टेस्ट आपने दिया है, एक में आपका मोटा है, दूसरे में 18 है, क्षमता है आप में, चाहिएगा तो निकाल लीजिएगा, ठीक है। रोहन दास, 3 ईयर 4 ईयर 2 ईयर 0 ईयर, बहुत बढ़िया है, SSC पास होइएगा। सचिन कुमार फ्रॉम हिसार, 4 ईयर 2 ईयर 1 ईयर एक्स्ट्रा है, ध्यान दीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में, ऐसे SSC पास होइएगा। साहिल न्यू एरिया नवादा, 3 ईयर 2 ईयर 4 ईयर 4 ईयर, परफॉर्मेंस बोल रहा है कि SSC पास कीजिएगा, पर जो एक्स्ट्रा बर्ड दब रहा है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होगा। साहिल वर्मा फ्रॉम दरभंगा, आपका 47 ईयर 99 नहीं हो पाएगा, मेहनत कीजिए और ज़्यादा, उपाय नहीं इस बार। सैफ अली रांची, 6 ईयर 7 ईयर, ठीक है, पास कर जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सज्जू फ्रॉम भिलाई, 1 ईयर, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, पास कीजिएगा। समीर कुमार साहू फ्रॉम कटक, 001, SSC पास है, कोई नहीं रोकने वाला, फर्स्ट क्लास जाएगा। संदीप सेन दुमका, 31 ईयर 14 44 ईयर 16 ईयर, क्षमता है आप में, निकाल सकते हैं, प्रयास कीजिएगा, हो सकता है कि आपका पास में रिजल्ट आ जाए, प्रयास करने में छोड़िएगा नहीं, आपका परफॉर्मेंस बोल रहा है कि आप निकाल सकते हैं, ठीक है, आप में वो क्षमता है। संजय मीना जयपुर, 0 ईयर 0 ईयर 2 ईयर 1 ईयर, परफॉर्मेंस बोल रहा है, SSC पास होइएगा। संजय शर्मा फ्रॉम वेस्ट बंगाल, 11 ईयर 12 ईयर, फिर आपका 6 ईयर 11 ईयर, ये परफॉर्मेंस बोल रहा है, लखनऊ फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं होगा, पास करिएगा, ठीक है, आप में वो क्षमता है, आप निकाल सकते हैं, जो 6 ईयर मारेगा, जो 11 ईयर मारेगा वो टाइपिंग निकाल सकता है, ठीक है। संजीव कुमार सिंह अपना ट्राई कीजिएगा बेस्ट देने का, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। संजीव शुक्ला फ्रॉम लखनऊ,
तीन ईयर, चार ईयर, 29 ईयर, 11 ईयर। देखिए यहाँ पे आपका ये क्या लाइन स्किप हुआ होगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा जाएगा। शांतनु कुंभकार फ्रॉम वेस्ट बंगाल, 011, फिर एक SSC पास। सारेंस फ्रॉम फरीदाबाद, दो ईयर, दो ईयर, दो ईयर, दो ईयर, 0 ईयर, एक में एक्स्ट्रावर्ड है, ध्यान दीजिएगा एक्स्ट्रावर्ड के लिए। ऐसे ओवरऑल परफॉर्मेंस बोल रहा है कि आपका टाइपिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आइए सरोजनी फ्रॉम रामगढ़, एक टेस्ट दिया, 2 ईयर पास हैं, पास हो जाएगा। सत्यम झा दरभंगा, 2 ईयर, 20 ईयर, 26 ईयर, 1 ईयर, आपका परफॉर्मेंस बता रहा है कि थोड़ा सा अगर कंट्रोल करके चलेंगे तो उम्मीद है कि आपका टाइपिंग होगा, क्योंकि आप समय से पहले मार रहे हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, टाइपिंग का ईयर आपका कंट्रोल हो जाएगा और आपका SSC पास में भी आ जाएगा। सौरम फ्रॉम बीरेजन पोस्ट छैबियान, तो परफॉर्मेंस 3 ईयर और 17 ईयर, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, पास कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सौरभ सिंह फ्रॉम अमोरा, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर, ओवरऑल परफॉर्मेंस SSC पास। सौरभ यादव फ्रॉम झांसी, 3 ईयर पास। सौरभ कुमार फ्रॉम नवादा, 15 ईयर, 4 ईयर, एज पर परफॉर्मेंस SSC पास। सारियन दास फ्रॉम कोलकाता, 13 ईयर, 17 ईयर, 37 ईयर, 18 ईयर, ध्यान दीजिएगा तो उम्मीद है कि आपका टाइपिंग निकल जाए, ठीक है। ईयर को कंट्रोल कीजिएगा, जो लाइन छूट रहा है उसको कंट्रोल करना है, परफॉर्मेंस अच्छा है, SSC पास होइएगा। अब आइए संदीप बनर्जी कोलकाता, 39 ईयर, 51 ईयर, कंट्रोल कीजिए अपने ईयर को, ऐसे नहीं होगा, मुश्किल है। फिर आप ये संदीप रॉय फ्रॉम वेस्ट बंगाल ऑल्सो, 1 ईयर पास हैं। सयानी दास नारायणगढ़, 6 ईयर पास। सयानी दास नारायणगढ़ पास, 7 ईयर, 14 ईयर, SSC पास है। शैलेंद्र फ्रॉम ग्वालियर, 3 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 4 ईयर, SSC पास हैं, कोई नहीं दिक्कत होगा। शैलेश औरंगाबाद, 3, 3, 15, 4, SSC पास, कोई परेशानी नहीं होगा, ऐसा SSC पास कीजिएगा। शशांक है 9 ईयर, 4 ईयर, 6 ईयर, 6 ईयर, ओवरऑल परफॉर्मेंस बोल रहा है कि आपका बहुत बढ़िया है और पास कीजिएगा। शशांक मिश्रा, 3, 3, 3 और 19, 3 ही तक है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, अच्छा है। शशिकांत कुमार फ्रॉम तो एड्रेस नहीं है, तब भी परफॉर्मेंस अच्छा है, SSC पास कीजिएगा। साक्षी गुप्ता कानपुर, 5 ईयर, 6 ईयर, 5 ईयर, 8 ईयर, परफॉर्मेंस अच्छा है, पास कीजिएगा। फिर है शीतल रानी फ्रॉम पटियाला, 2 ईयर, SSC पास। श्रेडी साई ज्योति बेंगलोर फ्रॉम बेंगलोर, ओवरऑल परफॉर्मेंस इज वेरी गुड एंड आई थिंक योर रिजल्ट इज क्लियर, यू आर SSC पास। शिवनाथ फ्रॉम लक्ष्मी सागर, 31 ईयर, 41 ईयर, 42 ईयर, तो दिक्कत है शिवनाथ, मेहनत और कीजिए तभी उपाय है, ऐसे उपाय नहीं है। शिवांगी कुमारी फ्रॉम बेगूसराय, 0 ईयर, 3 ईयर और फिर 1 ईयर, फिर 2 ईयर, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और बढ़िया भी जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। शोभित मिश्रा 9 ईयर पास। श्रीकोशूर कोलकाता, 31 ईयर, 47 ईयर, 41, नहीं मुश्किल है, मेहनत और किसी कस के तब उपाय, नहीं तो ऐसे नहीं उपाय है। शुभम फ्रॉम लखनऊ, 3 ईयर, 13 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, पास कीजिएगा। शुभम कुमार पटना, 8 ईयर, SSC पास। शुभम शर्मा फ्रॉम ऋषिकेश, 1 ईयर, SSC पास। शुभम शुक्ला बांडा फ्रॉम UP, 6 ईयर, 8 ईयर, 6 ईयर और फिर 5 ईयर, दोनों में एक एक एक्स्ट्रा वर्ड इनपुट किए हैं, तो इसको ध्यान देना है कि आपकी उंगलियों से एक्स्ट्रा वर्ड नहीं आए, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, SSC पास कीजिएगा। शुभम सिंह फ्रॉम लखनऊ, 22 ईयर, 13 ईयर, 10 ईयर, परफॉर्मेंस अच्छा है, SSC पास कीजिएगा, कंट्रोल कीजिएगा सिर्फ ईयर को। शुभम सौरभ फ्रॉम देवघर झारखंड, 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर और फिर 3 ईयर, परफॉर्मेंस अच्छा है, SSC पास। शुभम श्रीवास्तवा, 2 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 36 ईयर, नहीं दो दो, वो एक अलग लड़का है, तो शुभम श्रीवास्तव फ्रॉम सोनम, यानी कि आपका SSC पास है। शुभम सुमन गया, अच्छा है परफॉर्मेंस, अगर चाहिएगा तो निकाल सकते हैं, पर एक टेस्ट में मैं आपका एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा, कंट्रोल करना मुश्किल होगा फिर, ठीक है। शुभम गणेश गैडे फ्रॉम अंडेरी, 3 ईयर, 1 ईयर, परफॉर्मेंस बोल रहा है, SSC पास कीजिएगा, नहीं दिक्कत होगा। श्वेता दिल्ली, 9 ईयर, 22 ईयर, 28 ईयर, 15, तो देखिए जो 9 ईयर करेगा वो 22-28 क्यों करेगा, कंट्रोल कीजिए, आपका SSC पास में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। शिवा फ्रॉम कोयम्बटूर, ईयर का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है पर कंट्रोल करेंगे तो उम्मीद है कि आपका भी SSC पास आ सकता है, एक बार देखिए आया है, तो ये आपको परफॉर्मेंस बोल रहा है, आप ट्राई कीजिए, SSC पास हो जाइएगा।
स्मृति रंजन भूया कटक एक ही रन, परफॉर्मेंस अच्छा है पास कीजिएगा। सोमेश देली 15 रन 10 रन 13 रन फिर 8 रन, परफॉर्मेंस अच्छा है कोई दिक्कत नहीं होगा, एसएससी पास। सोनू कुमार गुप्ता 4 रन 3 रन 1 रन 1 रन एसएससी पास है कोई दिक्कत नहीं होगा। सौरभ दास सिलीगुड़ी 0 रन एसएससी पास। श्री फ्रॉम हैदराबाद, इरर का रेशियो बहुत ज़्यादा है, तब भी आप एक बार देखिए पास हुए, बाकी बार में आपका मोट रहा है, कंट्रोल कीजिए, उम्मीद है कि अच्छा जाएगा। श्रीनू फ्रॉम विजयनगरम 103 रन, मुश्किल है भाई, इतना कम में नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। सृष्टि गुप्ता सुहाग नगर फिरोजाबाद 20 रन पास हैं, ठीक है, मेहनत कीजिए, उम्मीद है कि हो जाएगा। संदीप सुदीप कुमार फ्रॉम दरभंगा 31 रन है, पर आपका क्या जो आपने एक्स्ट्रा इरर मारा है उसके चलते आपको एसएससी पास में आ रहा है, इसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। फिर भी आपका ये बता रहा है तो रीजन है कि आप कर सकते हैं, तो स्टावर्ड क्यों टाइप कर रहे हैं, स्टावर्ड को नहीं टाइप कीजिएगा तो उम्मीद है कि आपका हो जाएगा। देखिए दोनों टेस्ट में, एक में 14 पास टाइप किया, दूसरा में 18 किया, तो ऐसा नहीं चलेगा, कंट्रोल कीजिए अपने आप को। देखिए उसका फिर आपका कंट्रोल भी है, 2 इरर है और उसका फिर एक में आपने स्टावर्ड दिया, यानी कि आपका प्रेशर में फॉल्ट हो रहा है, प्रेशर के दौरान कंट्रोल कीजिए। जो आदमी 2 इरर मारेगा वो 45 इरर मारेगा या 48 इरर मारेगा, ऐसा थोड़ी होता है, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सुधीर कुमार रायबरेली 3 इरर 7 इरर 7 इरर 4 इरर, एक एक्स्ट्रा बर्ड है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सुमित कुमार फ्रॉम वाराणसी 8 2 3 1 एसएससी पास। सुनंदा देली 30 28, ध्यान दीजिए, तभी उपाय है, ऐसे नहीं उपाय है, कंट्रोल कीजिएगा तो उम्मीद है कि आपका भी हो जाएगा। 2-3 वर्ड का प्रॉब्लम है, आराम से कर सकते हैं। सुनील कुमार महतो 9 इरर एसएससी पास, ओके। सुप्रिया घोष 1 2 1 एसएससी पास। सुरभि झांसी 0 इरर 3 इरर फिर 0 इरर एसएससी पास, कोई नहीं दिक्कत होगा। सूरज भान सिंह 9 इरर 9 9 8 7, ठीक है, एसएससी पास होगा। सूरज कुमार फ्रॉम भागलपुर 6 इरर 9 इरर, ठीक है, परफॉर्मेंस बोल रहा है कि आप पास कीजिएगा, ठीक है। सूरज कुमार गोविंदपुर 4 इरर 4 इरर 23 इरर 7 23 इरर, परफॉर्मेंस सही है, थोड़ा सा इरर को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके उपाय है, ऐसे नहीं उपाय होगा, कंट्रोल कीजिएगा अपने इरर को तो उम्मीद है कि पास हो जाएगा। सूर्यांश शुक्ला फ्रॉम कानपुर 7 इरर 8 इरर 5 इरर 6 इरर, परफॉर्मेंस अच्छा है कोई दिक्कत नहीं होगा। सुब्रत बैरी 1 इरर 0 इरर 0 0 0, बहुत बढ़िया है, पास, एसएससी पास, ओके, कॉन्ग्रेचुलेसन। स्वर्णिम दास 2 इरर 8 इरर एसएससी पास। सुनित ग्राउंड 7 इरर 11 इरर एसएससी पास। तन्मय पल्लवी इंदौर 9 इरर एसएससी पास। तनु गुप्ता इंदौर 15 इरर एसएससी पास। तपास कोलकाता, इरर की संख्या बहुत ज़्यादा है इसलिए सारे मोट रहे में नॉट पास। तपस कर्मकार फ्रॉम वेस्ट बंगाल 1 इरर 0 इरर 29 इरर 1 इरर, वर्ड स्किप किए हैं इसलिए इसको कंट्रोल कीजिए और अपना टाइपिंग को अच्छा कीजिए, वैसे ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, एसएससी पास कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। तरुण फ्रॉम हरियाणा 0012 एसएससी पास। टेकम फ्रॉम जयपुर 9 इरर पास। टिंकू रजक फ्रॉम झारखंड 9 इरर 1 इरर 11 इरर 9 इरर एसएससी पास, कोई नहीं दिक्कत होगा। त्रिनाथ आचार्य फ्रॉम वेस्ट बंगाल 3 3 0, बहुत बढ़िया है, एसएससी पास कीजिएगा, ठीक है। दूसरा कांति भट्टाचार्य 1 इरर फिर 2 इरर 0 इरर एसएससी पास, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। उदित फ्रॉम रीवा 23 इरर 19 इरर, बॉर्डर लाइन पे हैं पर एसएससी पास कीजिएगा, सिर्फ कंट्रोल करके मारिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, फर्स्ट क्लास जाएगा। उज्ज्वल मिश्रा 52 इरर है, कंट्रोल करिए, ऐसे भी नहीं बोल सकता हूँ, नहीं उपाय है। उमेश कुमार फ्रॉम इलाहाबाद 15 इरर 14 इरर 19 इरर, उम्मीद है कि आपका टाइपिंग होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इरर को कंट्रोल करेंगे। उर्वशी नई दिल्ली कंट्रोल करने का है, जो आदमी का 9 इरर आएगा उसका 69 आएगा, कभी नहीं आएगा, आप में वो क्षमता है, देखिए आपका क्षमता यहाँ बोल रहा है, दिस इज़ योर कैपेसिटी, कि आप जब 9 इरर मार के निकाल सकते हैं तो आपका उम्मीद है कि टाइपिंग होगा। 9 इरर ये 25 इरर है, तो ये क्या है कि एवरेज जो परफॉर्मेंस है ये आपका टकरा रहा है बॉर्डर लाइन पे, और उम्मीद है कि आपका टाइपिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कंट्रोल कीजिएगा और अपना बेस्ट मारिएगा, समझिए कि मैं राहुल कृष्णा का जैसा मार रहा हूँ और उम्मीद है कि आपका काम हो जाएगा। उत्कर्ष अग्रवाल फ्रॉम ग्वालियर 5 1 3 4 एसएससी पास, कोई नहीं दिक्कत होगा। वैभव गौर फ्रॉम फतेहपुर 2 2, ठीक है, हो जाएगा, 4 इरर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर है वंदना परमार उज्जैन, कंट्रोल कीजिए, ऐसे मुश्किल है।
वीरेश बागल फ्रॉम हाथहस तीन ईयर पास वैद्या फ्रॉम कुडेर और 8 ईयर एक्स्ट्रा 1 ईयर देन कैलकुलेट टोटल 9 ईयर एज पर SSC यूर SSC पास। विकास कुमार झा फ्रॉम संगम बिहार, ईयर की संख्या इतना ज़्यादा है, स्पीड आपका बहुत कम है, नहीं हो पाया है, ट्राई अगेन। अब ये विनय कुमार सिंह पटना, लाइन छूट गया, दूसरा बार में आपने कंट्रोल किया है, 3 ईयर 14 ईयर परफॉर्मेंस बोल रहा है कि आप SSC पास कर सकते हैं। विनय शर्मा फ्रॉम जयपुर 2553 ओवरऑल परफॉर्मेंस ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। विपिन कुमार फ्रॉम मुरादानगर 2 ईयर पास हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आपका विपिन कुमार 20-25, थोड़ा सा टारगेट लेके चलिएगा, ठीक है ना, तब भी आपका उपाय होगा। ऐसे चाहिए कि हम निकाल लें तो आसान नहीं है, एक बार जब मोटर लग गया तो थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। वीरेंद्र प्रजापति फ्रॉम लखनऊ 2491 SSC पास। विशाल अवेंदर फ्रॉम सारण 18 ईयर 17 ईयर फिर 2 ईयर हो गए SSC पास। विशाल कुमार वेस्ट चंपारण 13 ईयर उसका फिर एक बार हो गया 34 ईयर लाइन छूट गया। फिर आपका 10 ईयर है 8 ईयर है, SSC पास कीजिएगा, नहीं दिक्कत होगा, कंट्रोल कीजिएगा सिर्फ। विश्वजीत देवरिया 10 ईयर 25 ईयर चाहिएगा तो पास हो जाएगा, मेहनत कीजिए, मेहनत करना होगा, पूरा ताकत लगा के मारना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये विश्वजीत कुमार बिहार शरीफ 3 ईयर 0 ईयर 1 ईयर 3 ईयर परफॉर्मेंस अच्छा है, दिक्कत नहीं होगा, आराम से कवर करिएगा। विवेक मिश्रा 7 ईयर 8 ईयर 25 ईयर चाहिएगा तो हो जाएगा, मेहनत अच्छा से करिएगा, टाइपिंग आपका निकल जाएगा। वसीम अख्तर 1 4 1 ईयर है, एक ही दे दिए तभी पास हैं। यश आनंद 4 5 2 ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, SSC पास कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यश गुप्ता फ्रॉम बीकानेर 2 ईयर 1 ईयर 2 ईयर 6 2 6 टोटल 2 ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, SSC पास कीजिएगा। यश सिंह फ्रॉम यस इंडिया 6 ईयर 9 ईयर 5 ईयर 6 ईयर जो एक्स्ट्रावर्ट का आपका जो प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करना है तो उम्मीद है कि आपका टाइपिंग अच्छा होगा, नहीं तो एक्स्ट्रावर्ट जब आप मारेंगे ना तो लास्ट का एक वर्ड छूटेगा, उसको कंट्रोल करना है, अगर वो कंट्रोल कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। योगेंद्र कुमार योगेंद्र यादव फ्रॉम प्रगतिपुरम कॉलोनी 19 ईयर 19 ईयर 16 ईयर परफॉर्मेंस अच्छा है, मेहनत कीजिएगा, SSC पास कीजिएगा। योगेश मथुरा 2 10 16 3 SSC पास, तो ये परफॉर्मेंस जो है मैंने आज आपको सुनाया, टोटल 829 स्टूडेंट डिवाइडेड 4 3 जैसा आप लोगों ने दिया है वो परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ पे मैंने बता दिया। तो इतना आप क्लियर मान लो कि मैंने जिसके बारे में SSC पास बोला है वो SSC पास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और एक कमेंट आया था अभी मैं जब टेस्ट ले रहा था, एक स्टूडेंट ने पूछा था मुझसे जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि उनका कहना है कि जिनका एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में है, ये कमेंट है उनका कि जिनका एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में है उनके लिए क्या कुछ स्पेशल गाइडलाइंस है। तो देखिए सबसे पहले क्या कि आपको जो एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो आपका जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है जो आप इंस्ट्रक्शन दिया गया एडमिट कार्ड में, एक ID प्रूफ अपना लेके जाइएगा और वो जो थंब इम्प्रेशन वगैरह करेंगे उसका फिर आपको सेंटर के अंदर इन कराएंगे। सेंटर पर जब आप इन करेंगे तो आपको हॉल देंगे कि किस हॉल में जाना, वहाँ आप जाएंगे आपको फिर सिस्टम अलॉट किया जाएगा, ये सिस्टम आपके लिए अलॉटेड है। उसका क्या है, आपने पूछा कि डेमो 10 मिनट में हमको पहले लेट से क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले जब डेमो आपको मिलता है तो डेमो के दौरान आपको कीबोर्ड पे पहले सारे की को आपको चेक कर लेना है कि कौन सा की सही है कौन सा गड़बड़ है। प्लस क्या है कि आपको एक बार क्या है ना कि जो वहाँ डेमो में मिला 5 मिनट वहाँ का पैसेज कर लिए तो थोड़ा सा हाथ फ्री हो जाएगा। हाथ फ्री होने के बाद तो आपको क्या है कि एक वो संडेस है ना द की फॉक्स लेजी डॉग, उसको मेहनत करना है, उसको एक दो बार मार लिए उससे आइडिया मिल जाए कि कौन कौन सा की हमारा फॉल्टी है। अगर कुछ ज़्यादा ही फॉल्टी है तो फिर आप कीबोर्ड वहाँ पे चेंज करवाइएगा बोल के इन्विलेटर को, ठीक है। और अगर नहीं है तो आप उसको एडजस्ट करके उसी हिसाब से मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बस यही है। और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस आज आपका मैंने देखा है बहुत बढ़िया है आप लोग का परफॉर्मेंस, और उम्मीद है कि आप लोग का टाइपिंग अच्छा जाएगा और हम लोगों ने जिस ढंग का तैयारी किया है कोई दिक्कत नहीं होगा। बस एग्जामिनेशन हॉल में जो है ना, ये रामबाण बता रहा हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप टाइपिंग स्टार्ट करेंगे
तो स्टार्टिंग का एक मिनट थोड़ा सा स्लो चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो प्रेशर होगा ना आवाज़ का, सब बोलते हैं सर आवाज़ बहुत होगा कीबोर्ड का, बहुत कड़कड़ाहट की आवाज़ होगा। अरे वो कुछ नहीं है, वो कीबोर्ड में तो आपका भी कीबोर्ड चलेगा ना, आपका भी तो आवाज़ होगा, आप भी तो उसमें उतना ही है जितना कि अगला है, अगला भी यही सोच रहा है, आप भी यही सोचेंगे। तो ध्यान देना है, स्टार्टिंग का एक मिनट थोड़ा सा स्लो कीजिएगा, उसके बाद फिर आप उंगलियों को अपना चला दीजिएगा। टाइम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, टाइम ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। और लाइन को ध्यान दीजिएगा कि करेक्टर टू करेक्टर पढ़ते हुए टाइप कर लीजिएगा, तो उम्मीद है कि गलती कम होगा। प्लस क्या है, आपका जो आदत बन चुका है जिस तरीके से, उस तरीके से ही मारना है, ठीक है। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो पैराग्राफ टूटने का जो बात अभी भी सब लोग कर रहे हैं कि सर इंटरवल स्पेस पड़ेगा क्या, अरे भाई स्पेस नहीं पड़ेगा, ये सिम्टम आज का नहीं पुराना है कि जब पैराग्राफ टूटता है जहाँ पर फुल स्टॉप है वहीं से इंटर मार दिया जाता है, उसके बाद जब नीचे गया वहाँ स्पेस दिख रहा है तो टाइप मारेंगे। अगर आपको यकीन नहीं है तो कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर निकाल लीजिएगा और एडिटोरियल पढ़ कर देख लीजिएगा, जहाँ पे पैराग्राफ टूट रहा है देखिएगा क्या वहाँ पे स्पेस है क्या, एक बार देख लीजिएगा। कल के वीडियो में भी एक स्टूडेंट ने बोला कि सर वहाँ तो दिखा रहा था, जब आप वीडियो चला रहे थे तो दिख रहा था। मैं बोले कि अरे यार नहीं दिखता है, वो जब हम उसको पकड़ रहे हैं ना तो वो कर्सर वहाँ तक उसका वो व्यू है, वो दिखा रहा है पर है नहीं वहाँ। इसका प्रूफ है सिंपल कि आप कोई भी न्यूज़पेपर देख लीजिए, न्यूज़पेपर जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए न्यूज़पेपर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे पैराग्राफ टूटता है, देख लीजिए। अगर इसमें पैराग्राफ होगा तो दिखेगा, ये रहा, ये हमारा यही है, ये ऑल डॉट पर जाकर यहाँ हो रहा, इस ऑल डॉट के बाद तो हमको क्या है ना कि यहाँ पर आपको इंटर मारना है, सिंपल दिख रहा है, देख लीजिए सिंपल मैं दिखा रहा हूँ आपको, यही डॉट यही है सिम्टम। तो फिर क्यों यहाँ पर स्पेस पड़ेगा, ये सब जो मानसिकता है इसको हटाइए और अपना बेस्ट दीजिएगा। बस मैं आपको ये डेमो दिखा दिया, ये आपका स्पेस और इंटर वाला भी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो मेरा रिजल्ट है उसका परफॉर्मेंस बोल रहा है कि आप लोग का बहुत अच्छा जाएगा। धन्यवाद। अगर कोई भी क्वेरी आपका हो तो आप मुझे यूट्यूब पे सवाल कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। और अगर आपको हमारा राधा कृष्णा का आज तक का परफॉर्मेंस अच्छा लगा कि नहीं, हमने अच्छा मेहनत किया है, आपने भी अच्छा मेहनत किया है, तो अपने इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हमने जो अमल करके आपको जो बातें बोली उसको अमल कीजिएगा, क्योंकि आज का जो टेस्ट 4 हुआ था ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने इसे एज पर SSC पैटर्न पे बनाया, शब्द बहुत हल्के थे और क्राइटेरिया भी बहुत अच्छा था। बस ध्यान देना है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस नहीं पड़े, एक्स्ट्रा वर्ड टाइप नहीं हो, क्योंकि जैसे ही एक्स्ट्रा वर्ड टाइप होगा तो आपका नीचे का वर्ड छूट जाएगा। तो ये सब चीज़ को ध्यान देना है और किसी भी तरह का परेशानी नहीं, वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में हड़बड़ाहट नहीं होना है, जो आसपास के लड़के बैठे हुए उनसे घबराना नहीं है, आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है। आपका जो तैयारी हो गया है वो बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा जाएगा। इसी साथ आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद राधा कृष्णा की तरफ से, और आप लोग सभी को बेस्ट ऑफ लक और बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद है कि आपका SSC का टाइपिंग अच्छा जाएगा। जितने भी मोर ट्राई स्टूडेंट आज के हैं, उन्हें मैंने जो कल राहुल कृष्णा का आवाज़ सुनाया है वो एक एग्जाम्पल है मेरा 2015 का।